जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज को डिफरेंट तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है इसकी डिफ़रेंट टाइप्स और कैटेगरीज हैं लेकिन जो इसकी टाइप्स सबसे ज़्यादा कॉमन और मशहूर हैं उन्हें हम टेसिट और एक्सप्लीसिट नॉलेज कहते हैं तो आइए देखते हैं कि इन दोनों टाइप्स में फ़र्क क्या है तो सबसे पहले है एक्सप्लिसिट नॉलेज एक्सप्लिसिट के मीनिंग है ओपन खुला हुआ नज़र आने वाला इट रिफर्स टू नॉलेज दैट हैज़ बीन

द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टॉक मार्केट एनालिसिस कंटेंड इन अ बुक और मैनूअल आर कंसिडर्ड एक्सप्रेसिड नॉलेज दिस नॉलेज कैन बी यूज बाई इन्वेस्टर्स टू मेक डिसीजन अबाउट बाइंग और सेलिंग द स्टॉक्स तो ये किसी मैनुअल में होगा किसी बुक में होगा लोगों ने ऑथर्स ने एक्सपर्ट्स ने किताबें लिखी हैं ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कराई हैं तो ये सारी जो हैं वो एक्सप्रेसल नॉलेज की एग्जाम्पल्स हैं इसके बाद है टेसट नॉलेज अब टेसट के मीनिंग होते हैं हिडन छुपा हुआ इसका मतलब ये है कि ऐसा नॉलेज जो इंसानों के जहनों में होता है इट इंक्लूड्स इंसाइट्स इन एंड हंच इट टेंट्स टू रिजाइड विद इन द हेड्स ऑफ नोअर्स कि जो नोअर है या जो एक्सपर्ट है या जो एम्प्लॉ है उसके जहन में जो नॉलेज है उसके एक्सपीरियंस की बेस पे उसने जो तजर्बा सीखा है उसकी बेस पे उसको हम टेस्ट नॉलेज बोलते हैं इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस एंड फॉर्मलाइज एंड देर डिफिकल्ट टू शेयर अब हर जो एक्सपर्ट है दुनिया का वो किताब नहीं लिखता वो डायरी नहीं लिखता वो लेक्चर नहीं देता तो इससे ये जाहिर होता है कि दुनिया के अंदर जो टेस्ट नॉलेज है वो बहुत बड़ी मकदार में अवेलेबल है और इसके मुकाबले में जो एक्सप्लिसिट नॉलेज है कि जो किताब की शक्ल में जर्नल की शक्ल में या किसी और शक्ल में हमारे पास अवेलेबल है एक्सप्लिसिट है उसकी मकदार उसकी तादाद बहुत थोड़ी है सो टेसड नॉलेज इज़ मोर लाइकली टू बी पर्सनल एंड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसिस एंड एक्टिविटीज़ इसको सीखने के लिए इंसान जो हैं वो एक्सपीरियंस हासिल करते हैं और पूरी पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो है उनको एक नॉलेजबल पर्सनैलिटी बना देता है लेकिन उनके पास जो नॉलेज है वो एक्सप्लिसिट के बजाय टेसट शक्ल में होता है इसकी एग्ज़ैम्पल यूँ दी जा सकती है टेसड नॉलेज की through years of observing a particular industry a stock market analyst might gain knowledge uh, that helps him uh, make recommendations to investors in the stock market regarding the likely short term and long term market trends for the stock of firms within that industry such knowledge would be considered tacit अनलेस द एनालिस्ट कैन द कैन वर्बलाइज इट इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट अदर्स कैन यूज एंड लर्न फ्राम तो जैसे मैंने पहले आपके साथ शेयर किया कि अगर कोई ऑथर या कोई एक्सपर्ट कोई किताब लिख देगा या कोई लेक्चर रिकॉर्ड करा देगा तो उसका जो टेस्ट नॉलेज है वो एक्सप्रेसिड नॉलेज की शक्ल इख्तियार कर लेगा लेकिन जब तक वो ऐसा नहीं करेगा उसके पास तो बहुत बड़ा नॉलेज होगा लेकिन उसकी शक्ल जो है वो टेसड नॉलेज की होगी तो so, टेस्ट नॉलेज मे आल्सो इंक्लूड एक्सपर्टीज दैट इज़ सो स्पेसिफिक दैट इट मे बी टू एक्सपेंसिव टू मेक एक्सप्लिसिट, देर द ऑर्गेनाइजेशन चूज इज टू लेट इट रिजाइड विद द एक्सपर्ट आम तौर पर क्या होता है कि टेसड नॉलेज एक्सपर्ट्स के जहन में होता है उसको एक्सटर्नलाइज करना उसको दूसरों से शेयर करना एक मुश्किल और महंगा काम होता है और यही वजह है कि जो इंडस्ट्री होती है वो एक्सपर्ट्स के जहनों में ही ये नॉलेज रहने देती है और एक्सपर्ट्स को बड़ी हाई वैल्यू पे बड़ी हाई प्राइस पे उनको हायर करती है और उनके टेस्टेड नॉलेज का फ़ायदा उठाती है इसका अगर एक कंपैरिजन किया जाए ये आपके सामने है आपकी टेक्स्ट बुक्स में इस तरह का कंपैरिजन जो है वो अवेलेबल है आप देखिए प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें दोनों की एक तरफ एक तरफ टेस्ट नॉलेज है एक तरफ जो है वो एक्सप्लिसिट नॉलेज है तो इसमें सबसे पहला है कि टेस्ड में क्या है एबिलिटी टू तो एडाप्ट टू तो डील विद न्यू एंड एक्सेप्शनल सिचुएशंस और इसके मुकाबले में एक्सप्लिसिट में क्या है एबिलिटी टू तो डिसमिनेट टू तो रिप्रोड्यूस टू तो एक्सेस एंड री अप्लाई थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो ये है एक्सपर्टीज़ नो हाउ नो वाई एंड केयर वाई तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं टेसड की इसके मुकाबले में जो एक्सप्लिस है उसकी है एबिलिटी टू टीच टू ट्रेन एक्सप्लिस नॉलेज काम आ सकता है किसी को टीच करने के लिए किसी को ट्रेन करने के लिए अब टेस्ट नॉलेज का नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू कलेबोरेट टू शेयर अ विज़न टू ट्रांसमिट अ कल्चर एक कल्चर बनाने के लिए वो कल्चर आगे ट्रांसफ़र करने के लिए ये काम आता है आपस में मिल के काम करें तो ये नॉलेज और ज़्यादा बढ़ता है पर ये ख़ूबी है टेस्ट नॉलेज की इसके मुकाबले में जो एक्सपेसल नॉलेज है वो है एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज टू सिस्टमेटाइज टू ट्रांसलेट अ विजन इंटू अ मिशन स्टेटमेंट इंटू ऑपरेशनल गाइडलाइंस अब ये चूँकि ओपन है तो इदारे के जो अफराद हैं वो इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं इसमें जो आखिरी पॉइंट है टेस्ट नॉलेज का वो है कोचिंग एंड मेंटोरिंग टू ट्रांसफ़र एक्सपीरियंशल नॉलेज ऑन वन टू वन और फेस टू फेस बेसिस अगर आप किसी शागिर्द को आप सिखाना चाहते हैं टेस्टड नॉलेज तो वो अपने उस्ताद को अपना मेटोर के तौर पर जो है जॉइन करेगा उस्ताद उस उसकी मैंनेटरिंग करेंगे और अपने टेस्ट नॉलेज से उसको डे टू डे बेसिस पे सिखाएंगे और और ये वन टू वन होगा और फेस टू फेस होगा इसके मुकाबले में एक्सप्रेसिव नॉलेज की खूबी ये है कि ट्रांसफ़र नॉलेज वाया प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस तो एक्सप्रेसिव नॉलेज की बेसिस पे आप जर्नल का आर्टिकल बना लीजिए आप प्रेजेंटेशन बना लीजिए आप एक किताब लिख लीजिए आप इस तरह से कुछ नोटबुक तैयार कर लीजिए और इसकी मदद से वो नॉलेज आगे शेयर किया जा सकता है